आपको सर्वनाम पढ़ाने जा रही हूँ। उससे पहले हमने पढ़ा था संख्या के बारे में और उससे पहले हमने पढ़ा था भाषा के बारे में। आज मैं आपको सर्वनाम के बारे में बताने जा रही हूँ, ठीक है। सर्वनाम किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा जानेंगे हम। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है हमने सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा पढ़ी है ना आपने, संज्ञा की परिभाषा पढ़ी है, उनके भेद पढ़े हैं, समझी है। कल मैंने यही पढ़ाया था आपको संज्ञा के बारे में ही, अब आज सर्वनाम के बारे में पढ़ रहे हूँ तो आपको संज्ञा अच्छे से समझ में आ गई तो सर्वनाम भी समझ में आ जाएगा। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, क्या है, संज्ञा के स्थान पर, समझ में आ रहा है। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, यह, वे आदि, ठीक है, समझ में आ रहा है। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उनमें नाम आता है लेकिन नाम की जगह अगर हम यूज में ले लेते हैं उनके स्थान पर, अगर हम संज्ञा के स्थान पर मैं, तुम, वह, यह कहकर पुकारते हैं तो वो शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं, समझ में आ गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, छह भेद होते हैं। सर्वनाम के छह भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके फाइन, वापस से बता रही हूँ, सर्वनाम के छह भेद होते हैं, कितने, छह भेद होते हैं, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। समझ में आ गया है मतलब। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर, ध्यान से सुनिए, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया है आपको। इसके बाद हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेदों का डिटेल से पढ़ेंगे हम। चलिए अब हम पढ़ेंगे इसके बाद भेद। भेद में सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी पुरुष या स्त्री के लिए होता है, ध्यान से सुनिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी पुरुष या स्त्री के लिए होता है तथा जिसमें बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके संबंध में कुछ कहा जा रहा है, इन तीनों में से किसी एक पुरुष का बोध कराया जाए तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ में आ रहा है, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी पुरुष या स्त्री के लिए होता है तथा जिसमें बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके संबंध में कुछ कहा जा रहा है, इन तीनों में से किसी एक पुरुष का बोध कराया जाए तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन कौन आते हैं इसमें, बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके संबंध में बात की जा रही है। समझ में आ रहा है, जब हम आपस में दो जने बात करते हैं, एक तो बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है, और तीसरा कौन होता है, जिसके संबंध में बात की जा रही है। तीसरा कौन कहलाएगा, जिसके संबंध में बात की जा रही है। तो क्या है, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी पुरुष या स्त्री के लिए होता है जिसमें बोलने वाले हैं, सुनने वाले हैं तथा जिसके संबंध में कुछ कहा जा रहा है, इन तीनों में से किसी एक पुरुष का बोध कराया जाए तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आते हैं हम इसके भेद पर। पुरुषवाचक के भी तीन भेद होते हैं। पहले हमने पढ़े थे सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के छह भेद होते हैं। इसमें सर्वनाम के भेद में पहला था पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी तीन भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। समझ में आया, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी तीन भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इन्हीं भेदों, जो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद है इन भेदों के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करे। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करे उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मेरी, हम, हमारा, मुझे, मुझको, समझ में आ रहा है। बोलने वाला कौन, उत्तम पुरुषवाचक में कौन आएगा, बोलने वाला, वक्ता जिसे हम कहते हैं, बोलने वाला स्वयं अपने लिए करे तो वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है, जिसमें आ जाते हैं मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझे, मुझको, ठीक है, आदि।
इसके बाद है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, वक्ता मतलब मैंने आपको बताया बोलने वाला, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता मीन बोलने वाला सुनने वाले के लिए करे। समझ में आ रहा है? जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करे उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तुम्हारा, आप, आपका, आपकी, आपकी, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वो कौन सा सर्वनाम होगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग वक्ता तथा श्रोता, श्रोता मतलब सुनने वाला, वक्ता मतलब मैंने आपको बता दिया वक्ता मतलब बोलने वाला, और श्रोता, श्रोता मतलब होता है सुनने वाला। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता तथा श्रोता मतलब सुनने वाला के अतिरिक्त, मतलब श्रोता के अतिरिक्त, वक्ता और श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है तो उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ में आ रहा आपको यहाँ तक? जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता तथा श्रोता, वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। समझ में आ रहा है? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है तो उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसका, यह, ये, इसका, समझ में आ रहा है? तो ये किसमें चले जाते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में चले जाते हैं, वो मध्यम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है तो उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसका, यह, ये, इसका, इसकी, समझ में आया यहाँ तक? ये इसके बाद से हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद के बारे में। फर्स्ट, ये फर्स्ट भेद था पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए तीन भेद थे, इनके बारे में हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा भेद जो है, अब हम पढ़ेंगे दूसरा भेद निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या है? किसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम? जहां आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक के अर्थ में न होकर, जहां आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक, आदर, जहां हम आदर देने के लिए आप शब्द का प्रयोग करते हैं ना, तो वहां आदर सूचक के अर्थ में न होकर, क्या न होकर, स्वयं अपने लिए होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ में आ रहा है? आप शब्द का प्रयोग जहां हम आदर सूचक के लिए करते हैं तो वहां आदर सूचक के अर्थ में न होकर स्वयं अपने लिए करते हैं तो वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। अगर आप शब्द का प्रयोग हम स्वयं के लिए कर रहे हैं तो वह आप शब्द क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। और अगर आप शब्द का प्रयोग हम आदर सूचक के लिए कर रहे हैं, जैसे आप कैसे हैं, आप आइए, तो वहां आप आदर सूचक के लिए दिया जा रहा है तो वो सर्वनाम कौन सा होगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि वहां आदर दिया जा रहा है, इसलिए आप बोलकर किसी को बुलाया जा रहा है या आप बोलकर सूचित किया जा रहा है तो वहां पर आप शब्द क्या होगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन आप शब्द अगर स्वयं के लिए हो रहा है, स्वयं अपने लिए होता है तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कार्य मैं अपने आप कर लूंगा, मतलब स्वयं के लिए आ रहा है कि यह कार्य मैं क्या अपने आप कर लूंगा, मतलब मैं स्वयं कर लूंगा, तो यहाँ आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का, समझ में आया, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो, निश्चित, ठीक है, निश्चित वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, ये, ठीक है, एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं, जैसे वह तो राम है, निश्चित है कि वह क्या है? राम है। और दूसरा एग्जाम्पल हम दे, यह ठीक है, मतलब निश्चित है कि हम उसके लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए? जैसे वह तो राम है, कि वह कौन है? वह तो राम है, निश्चित है, जो हमें दिखाई दे रहा है हम उसके लिए कह रहे हैं कि वह तो राम है, यह ठीक है। ओके, फाइन, समझ में आया निजवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद हम पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम क्या पढ़ेंगे? फोर्थ पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है, चौथा भेद क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो, क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या
कोई कुछ, ओके। उदाहरण में हम दे सकते हैं जैसे कोई द्वार पर खड़ा है, पता नहीं है आपको, निश्चित नहीं है कि द्वार पर कौन खड़ा है, तो वहां पर क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जहां निश्चित वस्तु का बोध हो रहा है तो वो तो कौन सा सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, और जहां पर किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं हो रहा, हमें नहीं पता कि दरवाजे पर कौन है, तो वहां पर क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, उदाहरण में आप दे सकते हैं जो करेगा वो भरेगा, या जैसी करनी वैसी भरनी, समझ में आ रहा है, मतलब जो जैसा करेगा उसका फल भी उसको वैसा ही मिलेगा। संबंध तो प्रकट हो रहा है दोनों में कि जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास लाठी है तो भैंस भी उसी की है, समझ में आ गया। संबंधवाचक सर्वनाम के एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ जो और सो जोड़ रहे हैं सर्वनामों को कि जो जैसे करेगा वो भरेगा, सो भरेगा, समझ में आ रहा है, जो करेगा सो भरेगा, या जैसी करनी वैसी भरनी, या फिर दूसरा उदाहरण हम दे सकते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ये तो आपको सभी को पता ही होगा। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध हो, जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, उदाहरण में हम दे सकते कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, समझ में आया, आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है, क्या क्या कर रहे हो, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वहां पर कौन सा सर्वनाम होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। समझ में आ गया यहाँ तक सभी को। तो ये सर्वनाम के 6 भेद है जिनके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल से बता दिया है। तो डेली आपको ये वीडियोस देखने हैं, समझने हैं, और इनका रिवीजन भी करते रहना है। ओके, थैंक यू, बाय।